हेलो हाय, वेलकम बैक टू केएस बर्ड्स अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं, ये अलेक्जेंड्रा इनका पेयर है पूरा, ठीक है। इनकी एज अभी 3 मंथ है, अभी बहुत छोटे बेबीज़ हैं ये। इसमें एक मेल है और फीमेल है, ठीक है। इसमें कैसे हमें फ़र्क मालूम होगा, तो यही आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इतने छोटे बेबीज़ का मेल और फीमेल का डिफरेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये मेल है आया ये फीमेल है। तो यही आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगी और ईजिली आप लोग भी जान सकेंगे, ठीक है। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और वीडियो के लास्ट में जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। तो चले आए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि इसमें से मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सी है, और दोनों में वाज़े फ़र्क जो है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो जी बिल्कुल, हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आप मेरे पास देख रहे हैं, ये अलेक्जेंड्रा इनका पूरा पेयर है मेरे पास। मेरे पास 4 बेबीज़ हैं, ठीक है। इसमें से 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, वो भी आगे मैं आपको 2 बेबीज़ और दिखाऊंगी। तो ये मेल है इसमें और एक फ़ीमेल है। इनकी एज तकरीबन अभी 3 मंथ है, तकरीबन सेम ही एज है। तकरीबन इन दोनों में मेरे ख्याल में इतना फ़र्क नहीं है, 1 या 2 दिन का फ़र्क होगा, ठीक है। ये मेरे अपने होम ब्रीड, घर की ब्रीड है, अपने सेटअप की ब्रीड है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले आएँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो देखिए, YouTube पे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें बताया होगा, सबके अलग अलग जो है वो तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी, उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ सकेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास मेल है, ठीक है। अब मेल का जो है हमें किस तरह से पता चलता है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्योंकि इस एज में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 3 मंथ की एज है। अगर आप लोग बेबीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, पेयर ले, छोटे बेबीज़ लेके और अपने पास पेयर बनाना चाह रहे हैं, या किसी को मेल लेना होता है या किसी को फ़ीमेल लेनी होती है हैंड टेम करने के लिए, टॉकिंग सिखाने के लिए, ठीक है, तो इस एज में आप लें। ये एज बिल्कुल बेस्ट है, इसमें वाज़ह तौर पर मालूम हो जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। क्योंकि इससे ज़्यादा जो छोटे बेबीज़ होते हैं उसमें इतना कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास तो अपनी होम ब्रीड आती है अपने सेटअप पे, ठीक है। हमारा तो ये बिज़नेस है, तो हमें इजीली जो छोटे बेबीज़ होते हैं हम उनका भी आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ तक कि 1 वीक के जो बेबीज़ होंगे उसका भी हमें आइडिया हो जाता है नॉर्मली आसानी से कि ये मेल है और ये फ़ीमेल है। मगर जो नए लेने वाले हैं, जो नए देखने वाले हैं, ठीक है, वो अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो इसी एज में लें। तकरीबन 3 मंथ एज इनकी होनी चाहिए। ये सेल्फ पे आ चुके हैं। अगर आप हैंड फीड पे लेंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है आप लोगों को फीड करवाने के, क्योंकि नॉर्मली लोगों को घर में फीड करवाना नहीं आता कि किस तरह से फीड बनाई जाए और उनको करवाई जाए। तो एक बेनिफिट ये है कि आपको फ़ीड नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि आप अगर सही से फ़ीड ना करवाएं तो बेबीज़ जो है वो उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से आप सेल्फ फीड पे लेंगे, जो हैंड फीड उन्होंने ख़त्म की कर चुकी हों, वो सॉफ्ट फूड पे आ चुकी हों, जैसे कि ये बेबीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मेल फीमेल का आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेल है। इस तरह आप इसकी, ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो चोंच आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल रेड कलर की है, ठीक है। फीमेल की जो है वो इतनी रेड नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मेल है, ठीक है। इस मेल की चोंच बिल्कुल रेड कलर की है, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ी उठी हुई है, यानी ये ऊपर जहाँ से इसका जो है वो सर के बाद से जो इसका रेड हिस्सा शुरू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ भी है और ये थोड़ा उठा हुआ भी है। और इसकी चोंच जो है वो थोड़ी लंबी है, एक तो मेल का ये होता है, और फीमेल की मैं आपको दिखाऊं कि ये थोड़ी सी छोटी और दबी हुई है, यानी कि जो सर का हिस्सा ख़त्म होने के बाद जो रेड हिस्सा इसका चोंच का शुरू हो रहा है वो थोड़ा सिमटा हुआ है, वो बनिस्बत मेल के, ठीक है, क्योंकि मेल का थोड़ा सा फैला हुआ है और फीमेल का थोड़ा सा सिमटा हुआ है। तो ये एक इससे भी बहुत आसानी से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये फ़ीमेल है और इसकी, ये देखिए आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। और दूसरे ये कि फ़ीमेल की चोंच जो है वो इतनी रेड नहीं होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख सकते होंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर आ रहा है, थोड़ा फीकापन इसमें है, तो ये ईजिली इससे मालूम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है फ़ीमेल का आप सर देख सकते हैं कि इसका सर मेल के बनिस्बत छोटा है, ठीक है, थोड़ा दबा हुआ है और छोटा है, यानी गोलाई में है। तो अलेक्जेंड्राइन में ये है कि अगर गोलाई में छोटा सर होता है तो वो फीमेल का होता है, और मेल का जो है थोड़ा उठा हुआ और थोड़ा लंबाई की तरफ थोड़ा फैला हुआ सर होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से इजीली हम इससे, ये 2 चीज़ों से हम मालूम कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फ़ीमेल है। अच्छा, इससे नीचे जो है ये 2 बेबीज़, ये भी आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं,
कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो, तो उसके लेफ़्ट साइड पे जो है मेल है और राइट साइड पे जो है फीमेल है, ठीक है। इसका भी सेम ऐसा ही है जैसे कि ऊपर वालों का है, तो ये इससे इजीली हमें मालूम हो जाता है कि ये मेल है और वो फीमेल है। ये ऊपर वालों से जो है ये बेबीज अभी थोड़े छोटे हैं, तकरीबन इनके में 10-15 दिन का फ़र्क है। ये अभी वन टाइम हैंड फीड पर हैं और ऊपर वाले जो है वो सेल्फ पर आ चुके हैं, ठीक है। ये अभी मैं इनको फीड नहीं दे रही हूँ, इस वजह से जो है ये आपको थोड़े बड़े लग रहे होंगे। तो ये आप वाजह तौर पे आपको फ़र्क इसका मालूम हो गया होगा कि हम भी इसी तरीके से इनका आइडिया लगाते हैं, हमें पता चलता है। और जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनका भी इसी तरह से ही होता है कि फ़ीमेल का जो है वो सर छोटा और गोलाई में होता है और मेल का जो है सर थोड़ा उठा हुआ होगा, थोड़ा बड़ा सर होगा। और चोंच से भी आप आइडिया लगा लेंगे कि इनकी जो रेड कलर का ये चोंच है ये मेल की है और जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये फीमेल की। तो सिंपल सा जो है ये मैंने आपको बताया है, इससे ईजिली आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी टाइम से आ रही थी, बल्कि पिछले साल से आ रही थी, क्योंकि मैं इस मतलब जो है वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, और जो सब्सक्राइबर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का कि मैं कब ये वीडियो बनाऊंगी, तो जी बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है। इसके अलावा भी अगर कोई कमेंट्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या वीडियो के हवाले से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके रिप्लाई जो है मैं ज़रूर दूंगी मैसेजेस का। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट्स में अपनी ऐसे आगे ज़रूर करिएगा। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर ज़रूर कर दिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊँगी।